सभी आईटीआई स्टूडेंटों को मेरा नमस्कार। मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ डीएस प्लेटफॉर्म। आप सभी पास आउट आईटीआई स्टूडेंटों के लिए एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटीज निकल कर आ रही है चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट वर्कशॉप की तरफ से। यहाँ आप लोगों को रिक्वायरमेंट मांगी गई है और इसके हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर है और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि इसमें कौन कौन ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं और सारा चीज डिटेल हम लोग जानने वाले हैं कि इसकी एज क्राइटेरिया क्या क्या रखी गई, हर एक चीज इसका क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया है 15/6/2024 से लेकर है ना 14/7/2024, यानी 14 जुलाई तक इसका फॉर्म ऑनलाइन होगा। तो आप लोग फटाफट अपना समय निकाल कर फॉर्म ऑनलाइन कर लीजिए और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फी जो है 16/7/2024, ये डेट को याद रखिएगा क्योंकि यही डेट आप लोगों को दिमाग में बार बार खटकेगा ये डेट, ताकि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सको। बहुत बढ़िया है बाबू, ग्रेड पे 28 से रहने वाला है, जबकि आईटीआई का देखा जाए आईटीआई बेस पे जो भी जॉब होती है तो लगभग 22 से 23 से 2000 के आसपास रहती है, लेकिन यहाँ ग्रेड पे काफी अच्छा रह रहा है। ठीक है, आइए तो इसलिए आप लोग अप्लाई जरूर कीजिएगा। ठीक है, ओके, आते हैं सीधे सीधे पॉइंट पर। जैसे यहाँ कैटेगरी वाइज दे दिया गया है ना, वैकेंसी दे दिया गया। जैसे यहाँ आप आओगे मैकेनिक के लिए आया है, कैटेगरी वाइज मैकेनिक के लिए आया है और इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है सारा चीज हम लोग जानेंगे। ठीक है, कैटेगरी वाइज देखोगे मैकेनिक के लिए, मैकेनिक के लिए तो जनरल के लिए 4 पोस्ट है और एक सर्विसमैन के लिए 1 है, टोटल आपका 5 पोस्ट है। एससी के लिए देखोगे तो एक पोस्ट है और एक पोस्ट मतलब टोटल 1। ओबीसी के देखोगे तो 2 पोस्ट है, टोटल 2 पोस्ट। ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 है, नील है। ठीक है, तो इस तरीका से आप देखोगे तो 5, 1, 6, 6, 2, 8 टोटल पोस्ट कितना है 8। क्लियर, इसमें क्वालिफिकेशन ऑफ देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैकेनिक 10th plus 2 चाहिए इसको। ठीक है ना, 10th plus 2 होना चाहिए। शुड हैव ए सर्टिफिकेट इन मैकेनिकल ट्रेड फ्रॉम आईटीआई और एनी अदर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट विथ 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस। आपके पास आईटीआई होना चाहिए, 10th plus 2 होना चाहिए और आपके पास आईटीआई होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए बाबू, और आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ एज रिलेशन जो आपका मैक्सिमम अप टू 3 ईयर्स ऑन बिफोर 1/1/2024 से पहले आप 30 वर्ष से कम होनी चाहिए, 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो एज रिलेशन मिलता है वो आपको मिलेगा, एज रिलेशन जो मिलता है आपको मिलेगा। ठीक है ना, जैसे ओबीसी के लिए 3 साल, एससी के लिए 5 साल है ना, तो वो चीज आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रिशियन में। जैसे देख सकते हैं इलेक्ट्रिशियन पोस्ट के लिए टोटल जनरल के लिए 3 है, 3 है ना, शेड्यूल कास्ट के लिए 0 है, यहाँ और ओबीसी के लिए देखते हैं तो 1 है, यानी टोटल 4 सीट है। इलेक्ट्रिशियन के लिए टोटल कितना है, 4 सीट है। सीटें काफी कम है लेकिन इसमें जो है बहुत कम बच्चे जो है अप्लाई भी करते हैं, इसलिए आप लोग चांस अपनाइएगा कि अप्लाई करो। ठीक है, ओके ना। हाँ जी, यहाँ देख सकते हैं इसका क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट। इलेक्ट्रिशियन के लिए आईटीआई चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और मैट्रिक पास होना चाहिए। क्लियर ये चीज, ठीक है ना। यहाँ आप इसका ग्रेड पे देख सकते हैं, यहाँ ग्रेड पे क्या रहने वाला है, इसका ग्रेड पे भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ 5200 से लेकर 20200 यानी +28 ग्रेड पे इसका रहने वाला है, कितना 28 ग्रेड पे। क्लियर है, ओके। यहाँ मैक्सिमम एज 28 वर्ष मांगा गया है, जो एज रिलेशन मिलता है वो आपको मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं कारपेंटर के लिए। वैसे देखो तमाम ट्रेडों का दिया गया है, जैसे कारपेंटर के देख लेते हैं, जनरल के लिए 4 सीट है, ठीक है, ओबीसी के लिए 1 सीट है, टोटल 5 सीट है कारपेंटर के लिए। उसमें भी क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, आप एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, ओके। चलो आते हैं यहाँ वेल्डर का देख सकते हैं, तो वेल्डर में भी कितने पोस्ट है, टोटल जनरल के लिए 1 ही है पोस्ट है, वेल्डर में काफी कम पोस्ट है, चलो फिर भी आप लोग अप्लाई करना, ओके। चलो आते हैं फिटर के लिए, आ गए पॉइंट पर फिटर के लिए। फिटर में देखेंगे तो जनरल के लिए 15 सीट है, एक्स सर्विसमैन के लिए 2 सीट है और टोटल देखेंगे तो हमारा 17 सीट है जनरल के लिए। ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए देखेंगे 5 है ना, ओबीसी के लिए 8 पोस्ट है, यानी टोटल देखा जाए तो 17/5 21 सॉरी 17/5 22 22 8 30 यानी 30 सीट है टोटल फिटर वाले स्टूडेंटों के लिए, तो काफी सीट ठीक ठाक है
है ना, तो अप्लाई जरूर करोगे आप लोग। इसी तरीका से तमाम सीट है, यहाँ देख सकते हैं इसका क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन आईटीआई चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए, आईटीआई किया होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम एज 28 साल, मैक्सिमम एज 28 साल, और जो आपका एज रिलैक्सेशन मिलता है कास्ट प्रो मिलेगा आपको, ठीक है। इस तरीका से असिस्टेंट फिटर का आप देख सकते हैं, असिस्टेंट फिटर में कितना टोटल पोस्ट है। इस तरीका से ये तमाम पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम है ना टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो वहां से आप लोग इसका सारा चीज देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी अपडेट पाने के लिए आप यदि आईटीआई कर रहे हैं या आईटीआई कर लिए हैं, तो ऐसी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।